वो देखें वो देखें वो देखें, उसकी सींगों को काट रहा भाई, फ्लैग कर जाएगा मुझे देख के। भाई तुम क्या खा रहे हो बिरौनी के सर में से? बिरौनी क्या खिला रही हो तुम कौवे को? जो चेक करा रही हो क्या? हैं, देखें इसकी सींगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं एकदम, लेकिन पता नहीं वो क्या खाने की कोशिश कर रहा, मुझे समझ नहीं आया भाई यार। आज फिर से जो है ना, इन्होंने अपना एक अंडा बाहर फेंक दिया और ये गीला हो रहा है, मतलब ये टूट चुका है, ये कन्फर्म टूटा हुआ है। हाँ ये टूटा हुआ अंडा है। ओए होए होए, इसमें से बच्चे ही नहीं निकाले। तुम लोग बच्चे क्यों नहीं निकाल रहे यार? इनको अंडों पे बैठे हुए कितना टाइम हो चुका और हम इनके बच्चे देखने के लिए बैठे हुए, लेकिन इनके नखरे ही नहीं ख़त्म होके दे रहे। ना ये बच्चे निकाल के दिखा रहे हैं हमें, ना ये हमारे को बच्चे निकाल के दिखा रहे हैं। भाई यार बच्चे बच्चे क्यों नहीं आ रहे तुम लोगों के यार? हमें इनके बच्चे देखने हैं, इनके बहुत प्यारे खूबसूरत बच्चे आएंगे, ये हमारे बनाना पैरट्स के इतने प्यारे बच्चे होंगे, लेकिन ये बच्चे ही नहीं निकालते। जब देखो लड़ते ही रहते हैं, पता नहीं क्या इनका मसला है यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो मैं कहता हूँ खैरियत जो होंगे ठीक ठाक होंगे। भाई आपका इतना खुश क्यों नज़र आ रहा पता है? एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सरप्राइज है, इधर चेक करें आप, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ भाई? एग का शेल। इधर देखें भाई, आपका भाई हमेशा जो है ना कार्रवाई डालता रहता है, या मैं या फिर अब्बू, हम दोनों में ऐसा है कि हम लोग जो है ना कभी भी किसी भी वक्त कहीं पे भी अंडा उठा के रख देते हैं, किसी पिजन के नीचे या किसी डब के नीचे, और आखिरकार उसमें से बच्चा निकल आता है। ये देखें आप, इसमें से जो है बच्चा बाहर आ गया है, और बच्चा कहाँ है ये नहीं पता यार, बच्चा कहाँ है ये नहीं पता यार, समझ नहीं आ रहा कहाँ पे गया। खुशी तो बहुत हो रही थी लेकिन मिल नहीं रहा कहीं यार। ऐसा नहीं हो सकता, मैं मजाक कर रहा हूँ। बच्चा जो है वो अंदर रखा हुआ, मैंने ब्रूडर के अंदर उसको शिफ्ट करा, तो उसको जो है ना अभी हम जाएंगे इंक्यूबेटर में रखकर आएंगे, क्योंकि अभी वो छोटा है ना, उसको कम से कम 12 से 16 घंटे हम इंक्यूबेटर में रखेंगे। इन दोनों बदमाश को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, देखना बदमाश कैसे उड़ता हुआ आएगा। भाई ये मुर्गा है, ये वाला जो है ना हमारा, ये वाला मुर्गा है, और ये वाली जो है ना मुर्गी है कन्फर्म, क्योंकि इनके साइज से, इनके जो है ना सर से पूरा अंदाजा हो रहा है। आप उसके देखें ना, उसकी दुम आना शुरू हो गई है, हमारे जो है ना गोल्डन के बच्चे की दुम आने लग गई है, और ये मुर्गी है इसकी छोटी छोटी दुम आई है। तो यार हमारे पास मिस्टर एंड मिसेस गोल्डी की जो है एक फोटोकॉपी आ गई है हमारे पास, बहुत जल्द ये भी बड़े हो जाएंगे। इनकी केयरिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। इसके अंदर है भाई, आपको आवाज़ आ रही है? अभी खामोश हो गया। सादिया इधर आओ जल्दी, इसके अंदर क्या है बताओ? गोल्डन वाले चूज़ है। हाँ वो बड़े हो गए। हाँ, हाँ एक का कलर वाइट हो गया, ऐसे हो गया वाइट, देखो वाइट हो गया। ओए देखो, ओए ये तो वाइट हो गया यार। तो उसका दूसरा किधर है? दूसरा वाला कहाँ गया? अरे वो तो वहाँ पर है, ये नया निकला है, ये चेक करो भाई, ये नया निकला है भाई, माशाल्लाह हमारा जो है डब का बेबी है भाई। ये डब का, मुर्गी का बच्चा नहीं है भाई, हम मुर्गी का बच्चा नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे डब का बेबी है, क्योंकि तो मुर्गी ने नहीं निकाला इसको, डब ने निकाला। तो ये हमारी ये वाली डब का बेबी है भाई, पता नहीं किसने निकाला, मुझे कोई आइडिया नहीं है यार। भाई किसने निकाला इसको यार बता तो दो, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डब्स हैं इसके अंदर, अब पता नहीं किसने निकाला इसको। भाई तुम्हारी माँ कौन है भाई, तुम्हारा बाप कौन है पता है? देखें इसके जो है ना जख्म भी कर दिया डफ ने थोड़ा सा, दूसरी डफ मारती भी है यार। आ जाओ मैं तुम्हें इंक्यूबेटर में रखूं, ये थोड़ा सा अभी थोड़ा सा है तो एक्टिव, लेकिन थोड़ा सा सुस्त है, तो इंक्यूबेटर में रहेगा ना शाम तक, फिर ठीक हो जाएगा ये। साजी हम चलते नीचे, इसको इंक्यूबेटर में रख कर आते हैं, बल्कि पूरा बॉक्स नहीं लेके जाते, सिर्फ इसको उठा लेते हैं। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें जो है ना नीचे छोड़ता हूँ इंक्यूबेटर में, ठीक हो जाओ। साजी वो बॉक्स उठाओ, नहीं 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 पहले वो बॉक्स उठाओ, उस बॉक्स को उठा के जो है ना यहाँ पे रखो, नहीं तो टर्की बर्ड्स खा जाते हैं। हमारे टर्की बर्ड्स है ना वो ये वाला बॉक्स पड़ते नहीं, इतना शौक से खाते हैं जैसे पता नहीं कोई खाना है उनके लिए। हाँ इसको यहीं पे रख दो, ठीक है चलो आ जाओ। इसको बंद कर, हाँ पहुँच गए भाई, ये इंक्यूबेटर ऑन है ना? हाँ ऑन है, चल रहा है चल रहा है। साथ लाओ इसको यहाँ पे रखें हम, बिस्मिल्लाह भाई। हाँ यहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सब बेस्ट है भाई, इसके लिए बेहतरीन हो जाएगा। लाओ मेरे को पकड़ा। ओए लाइट्स भी आ गई भाई। हाँ हाँ तुम परेशान नहीं हो, तुम यहाँ बैठो, तुमने सिर्फ शाम तक बैठना है ठीक है, रात तक यहाँ पे रुकना, उसके बाद जो है ना हम तुम्हें ले जाएंगे। देखें अभी ये पता नहीं खाने की कोशिश कर रहा है अभी से, ये पता नहीं कब का निकला हुआ, सुबह निकला या रात को निकला, कोई आइडिया नहीं, बस इसको सुबह हमने देखा कि ये निकला बाहर। इंक्यूबेटर को ढक्कन को सही से बंद करते हैं ताकि एयर बाहर नहीं आए, ठीक है भाई। अब हमारा जो है ना बेबी वो अंदर चला गया यहाँ से, देखें मिट्टी है यहाँ पे इसलिए नज़र नहीं आ रहा, वो हो रहा सही है भाई, हम आएंगे शाम में आएंगे ठीक है। हम उसको जो है नीचे छोड़कर आ गए, अब वो शाम तक जो है ना वापस आ जाएगा सेटअप पे वापस। इसको अब ज़रा रैबिट्स के बच्चों को भी देख लेते हैं यार, ठीक है। हाँ यार ठीक है, तीनों के तीनों लेटे हुए आराम से, और ये तीनों गीले हो रहे हैं यार, तुम अपने बच्चों की केयर क्यों नहीं कर रही?
अच्छा हाँ ये तो नेस्ट बना रही है, बाल उतारे मैं इसने, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ये नेस्ट बना लेगी फिर उसके बाद बच्चों को उठा के वहाँ लेके जाएगी और साफ़ कर लेगी। वो असल में कोने में बैठी हुई है ना, तो वो नेस्ट बनाने के लिए बैठी हुई है यार, हम ज़्यादा छेड़ते नहीं है, अभी हम छेड़ूंगा ना फिर वो गुस्सा कर जाएगी, नेस्ट नहीं बनाएगी, अभी वो सारे बाल उतार के नेस्ट वेस्ट बना के बच्चों को वहीं शिफ्ट कर देगी। कुर्सी लगा के देखते हैं क्योंकि आज वो बड़े हो गए होंगे, आज काफ़ी टाइम हो गया ना इनको, आज यहाँ से चेक करते हैं, बड़े तो हो गए होंगे यार, थोड़े बहुत भी नज़र आ जाए। ओए 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 ये हिलना, यहीं पे बैठा हुआ है वो, अंदर भाग गया, ओ तेरी है भाई, यहीं पे बैठा हुआ था यार, मैं समझा बड़ी चिड़िया बैठी हुई है, मतलब इतनी जल्दी इतने बड़े होगा बच्चे यार। ओए बच गया, चिड़िया के बच्चे यार ऊपर बड़े होगा इतने बड़े बड़े, एक ही, अच्छा पहले मैंने देखा था सादिया दो तीन थे ना, अभी एक ही नज़र आया मुझे, पता नहीं ऐसा क्यों, और ये क्या इनको क्यों लेकर आ गई बाहर, चलो सही अच्छा है रख दो यहाँ पे, सारा दिन अंदर बैठे रहते हैं सोते रहते हैं यार, इनको यहाँ पे रखो, इनको जो है ना थोड़ा सा लूसन तोड़ के दो, थोड़ा नहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा देना खाते हैं। हाँ बेला से मिलवा, बेला अरे आज तक मिलवाया नहीं बब ने, बेला से मिलवाया नहीं इससे तो हमने यार, तो बात अच्छी गई। और बेला को छोड़ो, आज पता है हमारे पास एक नया चिक आया, हमारी डफ ने चिक निकाला, उसको मैं अभी इंक्यूबेटर में रख कर आया हूँ, सादिया और मैं हम दोनों गए थे, वाइट कलर का निकाला, वाइट जैसे ब्रामा था ना, लेकिन ब्रामा नहीं है वो, ब्रामा की तरह कलर है लेकिन ब्रामा नहीं है, ब्रामा की बात और थी यार, उसके बच्चे भी अलग थे लेकिन ब्रामा नहीं है, लेकिन अलग निकला, बहुत खूबसूरत है वो, अभी हम नीचे जाएंगे ना, बल्कि नीचे उतरोगे ना फिर देख लेना शादी, इनको इतनी सारी लूसन थोड़ी डालनी है, अरे सिर्फ इतनी सी डालनी है बस, बहुत है बाकी उठा लो, हाँ भाई ये बहुत है बस, ये खा लेंगे आराम से, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, ये भाग जाएगी अभी, भाग जाएगी भाई। दोस्तों हम जो है ना बेला को फर्स्ट टाइम अपने हैमस्टर से मिलवा रहे हैं, अब बेला का रिएक्शन क्या होता है ये तो आपको पता है कि बेला चूहे हुए पकड़ने में मास्टर है, तो मतलब तो आज तो हैमस्टर की खैर नहीं है भाई साहब, भाई छोड़ दूँ, देख लिया बेला ने, देख लिया बेला, मिलना है बेला को, देखो यार सारा दिन सोती रहती है, सारी रात जो है ना भूत की तरह जागती रहेगी, बोलेगी मेरे साथ खेलो, इतनी पागल है, जा जाओ बेला, वे नज़र पड़ गई, कितनी देख रही है, इसको आगे से बिठाऊं, वहाँ से गंदा हो रहा है ना, स्टिकर था वहाँ पे उतर गया ना, आगे से साफ नजर आएगा, कितना गौर से देख रही है बेला, कौन है ये है? दोस्तों हमारा जो ये ब्राउन वाला हैमस्टर है ना, ये सेम टू सेम बेला की तरह है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बेला का बच्चा है, देखो बिल्कुल वाइट डब्बा और ब्राउन कलर और लंबे बाल, वाइट ब्राउन लंबे बाल, बेला इधर आओ भाई, तुम मेरे पास आओ जरा, तुम्हें बेला से मिलवाऊं, तुम जो ना मौत के करीब जा रहे हो अभी, जाओगे? ओए मना कर दिया उसने, जम कर दी, कह रहा मैं नहीं जाना चाह रहा, इधर आओ मौत के करीब जा रहे हो अभी तुम, ये देखो ये बेला, ये कौन है, ये पकड़ लेगी, क्या कोई भरोसा नहीं, नहीं 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 पकड़ लिया फिर, ये तो उल्टे काम हो जाएंगे, रिस्क लेने वाला काम है भाई साहब, बेला ये कौन है, मरना तेरे को डर नहीं लगता, बच गया भाई, टोटो बाहर आ गया, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था टोटो, तुम कहाँ गए हुए थे, इधर आओ, वहाँ से निकला ना ये, वहीं केज के नीचे जाता है, ये लो यहाँ पे लूसन गिरी हुई, खाओ जल्दी से खाना खाओ, अरे इसको खोल दिया यार, इसका नाम जो है ना आपके भाई ने जो इसको बोला है ना वही सबको पसंद आया, मैं छोटू बोले जा रहा हूँ ना, सब कह रहे हैं यार बहुत अच्छा नाम है इसके ऊपर, अच्छा भी लग रहा, और दादर कह रहे हैं यार बकरा कम हिरन का बच्चा लग रहा है ये भाई, हमारे लिए हिरन ही है, बहुत क्यूट है हमारा छोटू को जरा उठाना, वो देखो चढ़ गया ऊपर फौरन ऊपर, ब्राउनी की तरह इसकी हरकतें हैं, इसका नाम आज से छोटू और एक दो और आ रहे छोटू दादा, मतलब वही नाम तो वही हो गया ना, छोटू दादा, तो इसका नाम भाई छोटू दादा रख देते हैं, हाँ बस। ओए ये क्या सीन है भाई, ये क्या करा इसने, तखत के ऊपर चढ़ के बैठ गया भाई, थक गया भाई, सो जाओ, क्यूट बच्चा है यार, इतना छोटा था और ये हरकतें ऐसी बच्चों वाली है ना यार, मतलब मत पूछो यार कितने, अभी देखो ऊपर चढ़ के बैठ गया, अब आराम से बैठा रहेगा, देखो कैसे देख रहा, ये देखो हटो, क्या हो गया छोटू को, फिर बैठ जाएगा, ये क्या कर रहा भाई, छोटू के तमाचे नहीं खत्म हो गए दे रहे भाई, छोटू क्या मसला है, कह रहा मेरे से दूर हट के बैठो, मैं अकेला बैठना चाह रहा हूँ पूरे तख्त पे, वही कूद जाएगा, जम कर देगा, ये ख्याल करना, ये बस इसका यही काम है यार, ये दाना और उसके पीछे पागल है, जैसे हमारी ब्राउनी है, ब्राउनी भी ऊपर चढ़ के खड़ी हुई है, ब्राउनी भाई ये कौन सी फिल्म लेकर आ गए हम हैं भाई, एक फिल्म हमारे पास पहले कम थी, जो दूसरी फिल्म भी आ गई हमारे पास है, ये अब ये कह रही है मेरी रेसिपी खोलो, नहीं अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, जो हमने बच्चा रखा था ना उसको देखने के लिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 2-3 घंटे हो गए यार उस पर नजर, तो हमारे कैसा वो बच्चा है, देखते हैं जल्दी से जाके कैसा है यार, अब तक तो काफी सही हो गया होगा क्योंकि काफी देर हो गई है ना उसको,
इंक्यूबेटर में, तब तक काफ़ी बेहतर हो चुका होगा। चेक करते हैं भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के। ओए माशाल्लाह भाई, खड़ा हुआ आराम से एक साइड में। भाई कैसे हो, ठीक हो? वही यहाँ भी चेक करो भाई साहब। ओ भाई साहब, अंडा है चोरा भाई। ये मुर्गी का है, किसका है? ये भाई को पता होगा, भाई से पता करता हूँ। और भाई अली कहाँ भागा? टेंशन नहीं ले, टेंशन नहीं ले। अली एकदम भागा कि सलीम भाई आ रहा, कैमरा लेके साइड में हो जाओ, टक्कर मार देगा। है टेंशन नहीं लिया अगर भाई, भाई ऐसे भाग भाग के वीडियो बना रहा होता। अभी भाई इधर, हेलो, अंदर इंक्यूबेटर में बच्चा निकल रहा है, पता नहीं मुर्गी का बत्तख का। वो तो बच्चा था, मैंने देखा। देखा है? नहीं नहीं, एक बच्चा और निकल रहा अंडे में से, मैंने नहीं देखा। आओ इधर आओ, ये देखो, चेक करो। खोलो नहीं ना, लाइट बंद हो गई। ये देखो, ये तो बत्तख का बच्चा है। ये बत्तख का है? हाँ बत्तख का, 25 तारीख का रखा ना हमने बत्तख का। मतलब 25 तारीख के अंडे भी है, चोने लग गए हमारे। तो मतलब 25 तारीख के हमारे 4, 5, 6, 7 अंडे हैं यार। मुबारक, प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। चेक तो करा दो यार एक बार, वो बच्चे को भी हम देख लें। वो तो घूम घूम के वहाँ चला गया। उठाओ, ये नरम हो रहा है अभी। भाई साहब बत्तख का बच्चा फाइनली बाहर आ रहा है यार। अरे यार कितनी अच्छी न्यूज मिली आज यार, दिल खुश हो गया आज। 25 तारीख का अंडा एक, वो 25 तारीख का एक, बाकी एक दो अंडे ये हैं। एक दो तीन चार तो अंडे मेरे को नजर आ रहे हैं 25 तारीख के। चलो इसको बंद कर दो, बंद कर दो, ह्यूमिडिटी कम हो रही है भाई साहब। इस बच्चे की अपडेट आपको कल मिलने वाली है भाई साहब, कि बच्चा कैसे निकला, मतलब कितना है, कैसा है, वो सब आपको कल देखने को मिलेगा। अभी ये बोल रहा है, कह रहा है मुझे भी साथ लेके जाओ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको पढ़ा रहने देते हैं। कल हम जब बेबी डक को निकालेंगे ना, तो साथ साथ फिर इसको दोनों को ले जाएंगे एक साथ। लेकिन नहीं, ये पहले आया, इसको पहले निकालना पड़ेगा यार। कोई नहीं, आज तो भाई दिल खुश हो गया यार। आज तो जो है ना, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया, लबे शीरी सा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है यार, लबे शीरी सा लग रहा है। अरे वाह, यहाँ तो पार्टी शार्टी चल रही है। मैं कितना गन करा है देखो डक्स ने, और अब्बू ने ब्राउनी को खोल लिया। इसको कहाँ नीचे लेके जाना है? या ऐसी टहला रहे, ऐसे टहला रहे हैं यहीं पे नीचे। पता है मुर्गी का बच्चा निकला, डफ ने निकाला था। हाँ उसमें से एक बच्चा निकल गया, आपने देखा उसको? देख लिया भाई, अब्बू ने ही रखा था वो अंडा जो है ना डफ के नीचे, तो अब्बू ने देख लिया होगा, नीचे मशीन में रखा हुआ था ना। अभी मैं इस पागल को लेके जा रहा हूँ दिखाने के लिए कि यार ये कैसा है। अभी जो है ना अजान भी शुरू हो चुकी है, तो यार आज के ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल हम और परिंदे को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह एक नई अलग वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।